पश्चिम बंगाल कोर्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बकाया महंगाई भत्ते की भुगतान की मांग में आज सिलीगुड़ी अदालत में हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आरोप है कि उनका महंगाई भत्ता काफी समय से बकाया है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग को लेकर कई कार्यक्रम किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके चलते वेस्ट बंगाल कोर्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सोमवार को एक बार फिर राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। पूरे राज्य के अलावा सिलीगुड़ी में भी अदालत के कर्मचारी हड़ताल और विरोध में शामिल हुए। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बकाया भुगतान किया जाए। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे आने वाले दिनों में बृहद आंदोलन करेंगे। वहीं अदालत के कर्मचारियों के हड़ताल से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज के हमरा इखाने सीजवार काज के कोटे कोरे छी। आज सारा पश्चिम बंग व्यापी समस्त जिला महकुमा जत कोर्ट आछे आज के हमादेर सब कोटी कर्मबिरती राज्य कमिटी हमादेर सिद्धांत सेई सिद्धांत सारा पश्चिम बंग व्यापी कागदीप्त दार्जिलिंग सब जायगाते एटा आज के सीजवार पालन होच्छे। आमादेर सीजवार करार उद्देश्य हलो आमादेर ई अनुष्ठान अराजनैतिक शांतिपूर्ण सहावस्थान सरकार जाते मैसेज पहुँचाई जाते जो बकेया डीए से बकेया डीए हमें इमिडिएटली देवा है। बकेया डीले शुद्ध आदालत कर्मचारी ना पश्चिमबंग समस्त विभाग डिपार्टमेंटे जरा समस्त कर्मचारी नीचुतला ऊपरतला सबाई तर बेनिफिट पा। एर आगे हमारे छोटो छोटो अनेक धर्ना सभा जाते सरकार मैसेज जाए बकेया डीए दीते हैं जेटा प्राप्य हाईकोर्टे मामला होयेछिलो साटे मामला होयेछिलो सेखानो हाईकोर्ट महामान्य हाईकोर्ट राय दिएछिलेन जे हाँ डीए आईनी अधिकार सेई डीए एआईसीपीआई जे कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स आछे सेई इंडेक्स अनुयायी समस्त किछु नीति दिते हबे किन्तु एखन पर्यन्त राज्य सरकारेर कोनो पदक्षेप नेई। आमरा मात्र 3% डीए पाई बर्तमान बेसिकेर उपरे सेखाने केंद्रीय सरकारेर कर्मचारीरा 38% पाई आबार 4% घोषणा करा होयेछे किछुदिनेर मध्ये ता बलबৎ হবে। তো আজকে সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ সারা কোর্টে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট এবং জুডিশিয়াল কোর্টে সমস্ত আজকে কোনো কাজই হচ্ছে না কারণ স্টাফ মেম্বারাই নেই। কাজ কী করে হবে সাধারণত একটু সাফার হচ্ছে কিন্তু কী করা যায় আন্দোলনের না করলে আমাদের তো স্বার্থ বুঝতে পারবো না কারণ আমরাও সাধারণ যখন ডিউটিতে থাকি তখন একজন পাবলিক সার্ভেন্ট নাহলে আমরাও সাধারণ মানুষ একটু কষ্ট মেনে নিতে হবে বৃহৎ স্বার্থে। সারাদিন আমাদের 10টা থেকে শুরু হয়েছে 5:30 পর্যন্ত অফিস হচ্ছে কোনো কাজ আমরা আজ করবো না।